अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अभी जो अवैध साहब जो है ना, वो जनाब अपने बाइक की डेंटिंग पेंटिंग कर रहा है। तो वह सब क्या कर दिया इसको? इसको जंग लग गया, बीमारी हो गई। बल्ला ने नवाया कर ना, टाइम ना जंग लगे। वैसे ये कहता है जनाब मुझे 125 चाहिए, 125 चाहिए। ये जनाब 70 है इसकी, जनाब ये ठीक से मरम्मत नहीं कर पा रहा, देखभाल नहीं कर पा रहा, तो इसको 125 कहाँ से लेकर दी फिर हम? नहीं ना, नहीं उतर अबार रेग मार चाल है उन्होंने, लास्ट सीना लगे फिर कमी। या कपड़े के साथ कह रहा था, कपड़े के साथ जंग कहाँ उतरता है? यहाँ रेग मार पड़ा हुआ है बाहर, उससे हिसाब लगाएंगे तो जनाब जबरदस्त हो जाएगा। ले हाँ जी, हम ला के चेक कर आखी का ना आवे। बिफोर लुक है ये, देखिए कितना जंग है। क्या सब कर रहे हैं, इसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। भैंसों की जगह जो है ना वो जनाब रेडी हो रही है, और भैंसों की छाएं वगैरह जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसलिए इसके ऊपर पानी वगैरह डाल दें। चलो धूप वगैरह से कुछ तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि धूप वगैरह बहुत ज़्यादा लग रही थी पहले, तो मतलब के इसके अंदर चले जाते थे तो फिर कोई मसला मसला नहीं होता था, लेकिन अब वो बिजी जगह है तो बाहर सारी धूप है, छाँव है ही नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी धूप की वजह से। तो भाई साहब ने बोला कि थोड़ा बहुत पानी जो है ना इसके ऊपर फेंकते हैं, मैंने कहा अच्छी बात है। भैया के साथ जनाब लकड़ बांध करना, ऊपर फेंकते हैं जनाब, कहीं ना कहीं तो फंस जाएगी ना, सट घर ला लिया वेख लेने कितने फंस। हाँ वही है कि नहीं? हाँ बस ठीक है, लो जी हमारा तजर्बा कामयाब हो गया है। जनाब यहाँ पर हमें सांप का बच्चा जो है ना वो नजर आया, उन पता नहीं क्या किधर सांप तो था जी, ये पक्की गल है सांप का बच्चा इधर बाहर साइड दे। बिल्कुल सांप का बच्चा था जी, बिल्कुल सांप का बच्चा, इधर कोई शक वाली गल कोई नहीं। बाकी जहर तो कोई नहीं होनी, नसवार कवानी है मुंह दो पासे में लगते, मुंह दा पता ही नहीं केड़ी साइड दे। हाथ से खींच रहे हैं लेकिन हाथ से तो नहीं हुआ ये, अब रिक्शा लेकर आए, इससे मतलब जोर लगाते हैं शायद गिर जाए। आया ही आया ही आया ही, नहीं 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 अजय नहीं इसका, अजय नहीं, अजय पक्का काम है थलो। अच्छा जनाब हमारा फेल हो गया, अब खुद जनाब जोर लगा रहे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, लहरो तेरी खैर। गई 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 गई, बस कर रे, हेलो बस कितना, ओ नहीं बस कर दा, निश्ता निश्ता। आज फातिमा उठ गई है, साड़ियां रोटियां उठे रह गई, आ क्या बिया कि तू ना पका ला, नहीं नहीं धोला भी धोला, उठ जा। तो ये है जी मेरा न्यू सूट, ये अर्शद लेकर आए थे मेरे लिए, दो सूट लेकर आए थे लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, कलर ही बड़े तेज डार्क थे और वैसे भी ना अजीब से लग रहे थे जैसे पेंडुओं वाले होते हैं, तो उनमें से एक तो मैंने ये सिलाई करवा लिया। इसकी फ्रंट दिखाएं, दिखाती हूँ, सिलाई होने के बाद इतना जबरदस्त बन गया ना अभी तीन महीने, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक सूट जो है ना वो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को दे दिया, और मैंने कहा आप ये रख लो और मुझे ना आप कोई और लेकर दे दें, तो अभी उनसे भी जाकर कहना, उन्होंने भी कहा कि ठीक है जी आपको सूट ले देंगे, तो वो भी सूट लेने जा रही हूँ। और ये देखें माशाल्लाह से कितना जबरदस्त हो गया है, ये जनाब 1100 रुपए का मिला था मुझे, टू पीस 1100 का टू पीस। इसके साथ दुपट्टा कौन सा नहीं है? इसके नहीं, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, टू पीस था, लेकिन ये घर पे पड़ा हुआ था दुपट्टा, तो ये भी इसके साथ मैच हो गया, तकरीबन हो गया इसके साथ ना मैच हो गए हैं तो, लेकिन इसमें और भी कलर के फूल, लेकिन ये है कि घर में चल जाएगा। नहीं नहीं सही है, कोई मसला नहीं। और साथ इस बार मैंने जो है ना दूसरी तरह का फ्लैपर सिलाई करवाया, फ्लैपर मतलब मैंने खुद ही कहा है, मेरी बहन सिलाई करती कपड़े, तो उन्होंने ये सिलाई किया है, तो कह रही थी कि खाला आप तो बिल्कुल ना इतना अरसा हो गया आपने कभी कपड़े जो है ना, नहीं फ्लैपर शैपर नहीं सही करामी जाके ना सिलाई नहीं करवाती, और लोग इतने फैशन वाले कपड़े पहन रहे हैं, नहीं नहीं खुले बांचे नहीं चंगे होंगे,
मैंने कहा चलो ठीक है जैसे आपका दिल करता है आप सिलाई कर दे, तो ये उसने अपनी मर्जी से सिलाई की। ना ना एनो ना जाके सही कराने ना हूं मैं पाना है के मैं बैठूं मैं काम देख ला की आना बैठो मैं रूम लगा है। हां ए आज तू मैं दसू वाला लड़ गया तो जी ये है मेरा न्यू सूट, देखें कैसा लग रहा है। बकवास लग रहा है, प्रेस करके पहन लिया है। अब इसमें आपने बताना है कि इसमें क्या गलत है। थोड़ा सा ये है कि सलवार थोड़ी सी खुली है, तो बस यही है और तो कुछ भी नहीं है। पहले ये थे कि सलवारें जो बड़ी औरतें पहनती है उस तरह की सलवारें सिलाई होती थी, ये थोड़ी सी और तरह सिलाई होगी, तो इस पे भी इतराज है सब। चल वाला कर्म करे, नहीं मैं कहता हूँ थोड़ा सा मतलब इतना क्लोज भी नहीं लेकिन थोड़े गड़े ना सलवार थोड़ी क्लोज होनी चाहिए, मतलब काफी ओपन है बिल्कुल ही इंज होता है, वो चीज भी नहीं दरमियाना साज जो होता ना वो चीज सही रहती है। मिसाल वगैरह जना आज शाम का हो, शाम हो चुकी रात होने वाली जनाब शाम हो चुकी है, तो आज चावल हम बना रहे हैं। तारा ने आज को संभाला हुआ था जिसकी वजह से मैंने फिर मिसाला वगैरह सारा कुछ भुना है और वो साल साढ़े जल गया है, अच्छा खासा हो गया है। बाकी कोई नहीं, चावल इसी तरह बनते हैं। नहीं नहीं गैस बंद हो जी, गैस की टेंशन नहीं है। बाकी नमक चख लवी ते केड़ा मसाला हैगा गरम मसाला ओ पैन आला, बाकी सारा कुछ लिया रे मिर्चा मुटा सब कुछ। चिकन क्यूब किए ये टिक्की भी लेकर आए हैं, ये चावलों में डालेंगे क्योंकि आज चिकन नहीं है। चलो देख लेने हैं की करता अपने नाल जायका ही करना सो की करना उन्हें पाना है ठहर के नहीं जे तो पानी लाईदा है ना ओ तो चल पानी ला होया पे है एक वा बना लवे आलू बड़े ने चावल इन्हें बनाए थे सर बड़े ने सही है तो पानी ला फिर ला लेने। चावल जो है ना वो मैंने जनाब भिगोए थे, मैंने जनाब जब सूखे थे ना इनको साइज वगैरह नहीं किया, मतलब कि मेजरमेंट जिसके मुताबिक हम पानी डालते हैं। मुझे ऐसे पता नहीं चलता वो अंदाजे से पानी कितना ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो चावल जो है ना खराब हो जाते हैं, तो मैं हमेशा ना किसी बर्तन के साथ इनको नाप कर उसके बाद जो चावल बनाती हूँ। अभी चेक कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, अभी सड़ गया दोबारा। एक डेढ़ ये बना है, इसमें तकरीबन तीन कौले ढाई जो है ना ये कौले जो है ये जनाब डालेंगे पानी के, फिर जबरदस्त हो जाएगा काम। की आंदी सही हो जा सी सर हो गया। चलो जी देखो और पा आज को जो है ना वो वैसा संभाले हुए हैं और उन्होंने जनाब कार्टून दिखा रहा है। हाँ फाज तो नहीं पानी मैंने घना लग रहा है सही है नहीं सही है वेख लिया अल्लाह करम कर नींबू पाया ना कोड़ा कोड़ा था ही। The next day. अभी चावल हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, तो अभी हम ना साथ में बनाते हैं चाय और फिर ना करते हैं नाश्ता। नाश्ता ही कर रहे हैं हम। रात को हमारी वीडियो जना बंद हो गई थी, उसके बाद अब सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, रात को हमने चावल जब बना लिए थे तो किसी ने खाए थे किसी ने नहीं खाए थे, इसलिए फिर हमने दिखाए नहीं। तो अभी सुबह हो चुकी है तो नाश्ते की तैयारी हो रही है, चावल गर्म कर लिए, साथ में चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। तो रात को कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि आज आया तो जाना है दम पर मैंने, उसके ना जैसे कि आपको पता है कि इतने दिनों से हम दम भी करवा रहे हैं इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं लेकिन फिर भी माथा जो है ना वो आगे को बढ़ रहा है, तो माथा आगे बढ़ जाएगा तो बच्ची की लुक सारी ख़राब हो जाएगी। माशाल्लाह से बच्ची इतनी प्यारी है तो माथा आगे से निकल कर सारा काम खराब हो जाएगा। अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना ही हो। अभी ना बग्गा सेठ आया जनाब रंग लेने के लिए। हाँ जी बग्गा सेठ मिस्त्री अजे नहीं आया, मिस्त्री तो बड़ा मतलब लगता है लेट ही होता है। ओ मिस्त्री है दूंगा साई वाला। हाँ जी मिट्टी का तेल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सही सही। हाँ जी हमने मिक्स कोई नहीं किया इन्हें, हाँ किया तेल नहीं अजे तेल आ मिक्स करना इंजे वो दे तो इंजे लेंदा पिया मिक्स सारा हो जाए कलर कट दी नहीं हुंदा देखा बल कट दी आप कलर ही कटने ने साज आप और करना कि आप इन दे कलर काट के जाने ने आ पहुंचे ने। हां जी आ जाता की आली मैं सुना तबीयत खराब हो गई आ वाह वाह ये होने वाह 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 चा आ गया
चलो अल्लाह करम कर, अल्लाह करम कर। लग पे मोड़। हाँ जी और मोड़ लगना तो है। हूँ तो सही हूँ ना भी। अगला स्टॉक सूख गया। हाँ। वो अगला तो पीर या। हाँ। गाड़ा है। तो जी हम तैयार हो गए हैं, आयत को भी तैयार कर दिया है और आयत ने माशाल्लाह से देखें जूता पहना हुआ है। ये देखें उसकी ये व्हाइट कलर की लैस लगी हुई है, व्हाइट ही उसने जूता पहना हुआ है और ये तैयार हो गई है आयत। तो आपने दुआ करनी है कि इसका ये जो माथा है ना ये ठीक हो जाए, ये ऐसे ओ ऐसे आगे ना बढ़े, आगे बढ़ गया तो बहुत बुरा लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं, मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, इसके भी कर लिए हैं, मैं अवैस और ये हम तीनों अभी जा रहे हैं दम कराने के लिए। ये किधर गया? ये 7 कलर की ना नलकियां हैं, इनमें से धागा लेना, एक एक सब 7 रंग के धागे होंगे। साथ में ये नमक है जो रोड़ी वाला होता है वो वाला साबुत, तो ये भी उसमें आंटी ने कहा था कि दम करके दूंगी। ये धागा भी बना दो भाग इतना दे, तो वापिस आकर आपको वो भी दिखाते हैं। अभी जना उधर छत वगैरह डल गई है, मैं उधर डाल रहे हैं, तो वो चलकर दिखाते हैं आपको कहाँ तक पहुंचा है काम और कितना रह गया। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, छत वगैरह जो है वो डल गई है, जबरदस्त करके डल गई है, कलर वगैरह सब कुछ A1 हो गया जनाब, और इब्तला भी कर दी है हमारी कटिंग ने जनाब। इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं भाई, गारा मिट्टी सब कुछ। आगे मेरे पास कि मेरे सर में खुजली हो रही है, मुझे कुछ कहो। हाँ जी सुकून आ गया। अभी शाम हो गई है तो अभी चलते हैं घर और देखते हैं तैयारा बर्तन क्या कर रही है। हाँ जी बर्तन वाश हो रहे हैं। अभी शाम का टाइम है और मैं बर्तन वाश कर रही हूँ, दोपहर के जो हमने खाना वगैरह खाया है तो वो बर्तन से वाश करने लगी हूँ। तो कुछ मेरी बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप यहाँ पे बर्तन क्यों वाश करती हैं, आपने तो अंदर स्लैब बनाई है और सिंक लगाया है। तो वो दरअसल ना पानी का जो पाइप है ना वो यहाँ से इस साइड पर लेकर जाना है, तो वो अभी नहीं लेकर जा पा रहे क्योंकि बस ना थोड़े से हालात जो है ना वो आजकल डाउन चल रहे हैं, ऊँचे नीचे चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना वो पाइप डलवाएंगे तो फिर अंदर ही बर्तन वाश किया करेंगे, फिर वक्त हम यहाँ पर ही वाश करते हैं बर्तन। हमारी जनाब माचिस जो है ना वो जनाब खत्म हो गई है, शाम का खाना जो है ना वो बनाने वाला है लेकिन माचिस खत्म है। अभी बग्गे सेठ जो है ना वो सिगरेट पीता है, आप लोगों को पता है, उनसे पता करते हैं अगर उनसे मिल गया तो ठीक है, वरना फिर गाँव जाना पड़ेगा। गाँव इतना दूर तो नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं। बग्गे सेठ से भी माचिस नहीं मिली लेकिन एक और बंदा मिल गया था, फिर उससे जनाब माचिस मिल गई। ये जनाब हमारी खाली है, उन्होंने जनाब ये दे दी, उन्होंने कहा भाई इतनी ज़्यादा है ही नहीं, आप सारी माचिस ले जाएं। तकरीबन 10-15 माचिस हैं इसके अंदर। सोनी है माचिस तो आ गई लेकिन इन्हें जी कोई 6-7 थीलियाँ ने सुबह तक तो चल जाए, बाकी हूँ लिया हुआ। शाम के खाने में हम बना रहे हैं जनाब दाल, स्पेशल दाल मूँगी की, भिगो कर रख दी है, पानी ले गया, पानी सारी दाल पानी ले गई, पानी ऊपर रख दिया, इसको बनाते हैं फिर इसके बाद खाएँगे। अभी शाम के खाने में हम बना रहे हैं जी दाल, मूंगी की दाल हम बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ना गैस हमारी जो है ना वो कम है, गैस तो मैंने चंगी बली है, नहीं मुझे कम लग रही है, शायद खाना शाम का मुश्किल हो सकता है बनाना, तो इसीलिए मैंने ना सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया है। ऐसे ये बॉयल हो जाएगी तो पक जाएगी, इसको उतार लेंगे क्योंकि तड़का वगैरह भुनी वगैरह लगाना जो है ना वो थोड़ा गैस ज्यादा लग जाएगा। चलो अल्लाह करम करेगा, गैस जो है वो इंशाल्लाह कल जो है ना वो बनवाएंगे, अभी लेट काफी हो गए, हो सकता है कि शाम वो क्या कहते हैं शॉप वगैरह बंद हो गई हो, तो इसलिए कल इंशाल्लाह गैस बनवा लेंगे हम, लेकिन चांस है काफी कि हो जाएगा हिसाब किताब हमारा बन जाएगा इंशाल्लाह। दाल तो जनाब हमारी बनती रहेगी, फिलहाल इस व्लॉग का यहीं पर एंड करने लगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबा, अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़, बात आए ये चार पाई हम यहाँ पर रखने लगे क्योंकि इसके ऊपर बैठे थे वहाँ पर, लेकिन अभी इसको यहाँ रखते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर वहाँ ले जाएंगे इसको। ओके जी अल्लाह हाफिज़।